Haley with who? I feel this is some alter ego of hers. आज हम करने वाले हैं वेस्टर्न टॉप्स का मीशो हॉल. दिस वॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड थिंग इन माई लास्ट मीशो वीडियो. तो उसमें मैंने आपको पूछा था कि वॉट शुड आई डू नेक्स्ट टाइम यू रिक्वेस्टेड फॉर लाइक वेस्टर्न बट डिफरेंट टॉप. सो इफ यू नेवर यूज मीशो बिफोर, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ से आप खुद भी परचेज कर सकते हो लाइक द फैशन सामान, होम डेकोर सामान एंड और बहुत सारा. लेकिन मेजरली आप उस पर रीसेल करके घर पे बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो विथ नो इन्वेस्टमेंट एंड नो रिस्क एज वेल. मीशो इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 crore रीसेलर्स एंड द average monthly income is more than 25,000 rupees as Meesho told me. So I will be telling you more about Meesho in the later part of the video. Lekin abhi let us start with the haul. So the very first thing is this off-shoulder top itself. मुझे बहुत अलग लग रहा है off-shoulder इतने महीनों बाद पहन के, क्योंकि इसका trend ना मेरे college time पे था, मतलब 4 साल पहले I can say. तो it does feel very different but feels very like bougie, fancy, क्योंकि इस पे ऐसे ruffles भी है. off-shoulder होने के बावजूद it's quite comfortable because it's just sitting very nicely. मतलब हाथ ऊपर किए तो ये होने वाला है like every other off-shoulder top. But even when it's नीचे ना, ये तभी बार बार ऊपर नहीं आ रहा है unless you do the whole hand ऊपर. Next है ये न्यूड कलर का पेपलम स्टाइल टॉप है. तो इसका वन साइड से यू हैव रफल वाला स्लीव एंड दूसरे साइड पे पट्टी है. इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लाइक इट हैज़ अ फिक्स शेप ऑन योर बॉडी. तो दिस कम्स क्लोजर टू योर वेस्ट, ये आपको वेस्ट पे कट करता है तो एक बहुत मस्त सा शेप देता है. आई पर्सनली रियली लाइक दिस काइंड ऑफ अ शेप एंड दिस इज इन द साइज एक्स्ट्रा लार्ज. एक्स्ट्रा लार्ज ही मुझे तो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है. माई करंट बॉडी मेजरमेंट्स आर आई वुड से 34 नहीं अब तो 36 ही हुआ, 36, 28, 29 and 36, 38 अगेन. मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया लॉकडाउन में, आपको दिखेगा वीडियो में. पर अभी मैंने गलती की है तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी. जो है वैसे बॉडी के साथ मैं कंफर्टेबल हो रही हूँ बट एट द सेम टाइम एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है मैंने. ओके, नेक्स्ट है ये टॉप जो एक वन शोल्डर रफल टॉप है. बट आई थिंक ये साड़ी के ब्लाउज के जैसे या लहंगे के साथ एज अ टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है एंड दैट इज़ हाउ आई प्लान टू वेयर इट इन द शादी सीजन. एक मस्त लाइक लहंगे के साथ ऊपर एज अ टॉप एंड नो दुपट्टा, बिकॉज इसका जो वन शोल्डर है वो दुपट्टे की नीड को कवर अप कर देता है. फिर आता है ये ब्लू टॉप जो मेरे अंदर की जो वेकेशन करने की इच्छा हो रही है ना, ये वो व्यक्त करने में एकदम परफेक्ट है. ऑल्दो आई एम नॉट प्लानिंग टू ट्रैवल एनी वेयर राइट नाउ फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स. कोई भी ट्रिप प्लान नहीं करी है मैंने अभी तक, लेकिन बस घर पे बैठे बैठे पहन के खुश होने का भी यही तरीका है. Then I have this green top जो थोड़ा sporty vibe देता है because of the white lines on this and इसका fitting बहुत smart है, cropped है but it looks very nice even on jeans. तो I don't know jeans के साथ तो मैं कहाँ पहन के जाऊँगी but it looks very pretty. जो मैंने देखा था, जो सोचा था exactly वैसे ही आया. एक interesting bit in this is इसका chain है ना वो left shoulder पे है which is the first time मैं तो ऐसा top पहली बार पहन रही हूँ. Okay, तो how to use Meesho? All that you need to start the business side or to just shop from Meesho is a Meesho account. आपको सिर्फ जाके अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के, फ़ोन नंबर डाल के एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट से अकाउंट बनाना है एंड देन एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल ऑन Meesho आप खुद के लिए भी ले सकते हो या आप उसमें अपना मार्जिन रख के बेच सकते हो. सो हाउ द प्रोसेस वर्क्स इज, अगर आपको कोई सामान पसंद आया है या आपको लगता है कि ये आपके पड़ोसी को पसंद आएगा तो आप सिर्फ उस पर शेयर क्लिक करके यू कैन सेंड इट टू देम. एंड जब आप शेयर करते हो ना तभी Meesho का नाम कहीं नहीं आता, जस्ट द फोटो एंड द डिस्क्रिप्शन गेट सेंड टू द पर्सन. तो उनको नहीं पता होगा कि आप कोई और से लेकर ये कर रहे हो, उनको ऐसा ही समझ में आएगा कि आप रीसेलिंग करते हो. आप कहाँ से लेते हो, कितने में लेते हो, वो उनको नहीं पता चलेगा. एंड देन वंस आप सपोज आपको 200 रुपये में मिल रहा है और आप 300 में बेचना चाहते हो तो आप उनको बोलोगे कि मैं 300 में बेचती हूँ. तो जब वो 300 रुपये पे करेंगे ना तभी उसमें से 200 रुपये डायरेक्टली Meesho को जाएंगे और 100 रुपये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज़. आपको कोई वेट नहीं करना है कि 300 के 300 रुपये जाएंगे Meesho में फिर कुछ हफ्तों महीनों बाद आपके अकाउंट में आएंगे, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट डायरेक्ट आप जितनी मेहनत करोगे, जितना सेल्स करोगे आपके अकाउंट में उतना पैसा आ ही जाएगा. यू डोंट हैव टू डू शिपिंग, आपको कोई रिटर्न्स की भी टेंशन नहीं लेने बिकॉज द रिटर्न्स आर ऑल्सो वेरी स्मूथ. अगर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट फिटिंग सही नहीं आया, उनको पसंद नहीं आया तो दे कैन रिटर्न इट ऑल्सो वेरी ईजिली. ऑफकोर्स आपने जो मार्जिन कमाया था वो भी वापस चले जाएगा क्योंकि वो सेल फिर हुआ नहीं ना, वो सामान तो रिटर्न हो गया. बट आपको कोई झंझट मारी नहीं है, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी. सो इफ यू हैव नॉट ट्राइड Meesho
तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग ऑन द डिस्काउंट लिंक आपको 100 रुपए मिलेंगे आपके मीशो अकाउंट में अगर आप अभी साइन अप करते हो तो। बट यू मस्ट चेक मीशो बिकॉज द स्टफ यू आर सीइंग इन दिस वीडियो इज अमेजिंग, बहुत अच्छा निकला। ओके सो अगला था, आई डिड द टिपिकल हेली थिंग, मैंने सेम टॉप को दो कलर में लिया, एक है ये ब्लैक टॉप नेट वाली स्लीव्स में, ये जो पफी स्लीव्स रहती है ना मुझे एकदम बॉस वाइब देती है कि मेरे कंधों पे बहुत सारा ऐसा रफल है, ऐसा फैंसीनेस है एकदम, तो इट डिड मेक मी फील एग्जैक्टली लाइक अ बॉस बेब बिकॉज आई न्यू कि मुझे ये अच्छा लगने वाला है। आई गॉट द सेम थिंग इन मरून यार, अभी अच्छा कलर था, इवन देख के मुझे पता था कि मटीरियल हल्का सा स्ट्रेची है। आई जस्ट बॉट टू, दे आर बोथ फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स बट द क्वालिटी ऑफ बोथ इज लाइक द सेम, इसलिए आई वॉन्टेड टू शो यू के द स्टफ दैट यू सी इज एक्चुअली वॉट यू गेट। एंड इफ यू आर कन्फ्यूज, रिव्यूज सेक्शन, ओ माई गॉड, रिव्यू सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अगर आप जरा से भी कन्फ्यूज हो रिव्यू देख लो, यू ऑल योर कन्फ्यूजन विल बी सॉर्टेड बिकॉज द फोटोज आर क्लिक रियल, लाइक रियल फोटोज ऑफ माई कस्टमर्स। ओके नेक्स्ट, ये मुझे जोएला की ही याद दिलाता है सो मच क्योंकि जोई पूरा टाइम ये करती थी, वो अंदर कॉलर वाली टी शर्ट पहन के ऊपर जंपर पहन लेती थी, उसके स्वेटर्स और टी शर्ट्स पहन लेती थी, तो आई मिस जोई अ लॉट। बेसिकली हर मेन चैनल वीडियोस मुझे बाय हार्ट है उसके काफ़ी सारे वीडियोस, तो उसी को याद करके मैंने ये लिया एंड इट लुक्स वेरी गुड, बहुत पसंद आया मेरे को ये, बहुत सॉफ्ट भी मटेरियल है इसका। फिर आता है ये फ्लोरल पेपलम टॉप विच लुक्स वेरी डिफरेंट विथ एंड विदाउट द बेल्ट, तो बेल्ट के साथ एकदम फिटेड वाला फीलिंग आती है, बट मुझे बिना बेल्ट के भी बहुत पसंद आया बिकॉज इट्स अ मोर फ्लोई थिंग, एंड मुझे फ्लोई अभी ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि पेट आ गया है बहुत सारा मेरे को, तो थोड़ा मुझे कॉन्शियसनेस हो रहा है वो एक्सेप्ट करने में, खुद को ही मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ करंटली, इतना मेरा वजन बढ़ गया। बट मेरे से असाइड आके टॉप पे आते हैं तो द टॉप इज़ वेरी गुड, इसकी स्लीव्स पे थोड़ा सा ड्रामा है, बट इफ यू वॉन्ट टू सी ट्रू ड्रामा ऑन स्लीव्स, दिस डूड इसकी स्लीव इतनी बड़ी है, आई व्हेन आई वोर दिस आई वाज लाइक मैं सिर्फ ऐसे ऐसे मेरे हाथ हिलाते जा रही थी। मटेरियल इज ऑल्सो वेरी गुड, इफ यू लुकिंग फॉर अ वेरी परी हुमा टाइप टॉप यू कैन ट्राई दिस। इसमें आई थिंक और बहुत सारे कलर्स थे बट आई वेंट फॉर दिस ग्रीन क्योंकि मैं ग्रीन कपड़े जल्दी से लेती नहीं, मैंने पहले भी ग्रीन क्लोथिंग चैलेंज किया है बट उसके बाद मैंने कभी ग्रीन कपड़े नहीं लिए। ओके नेक्स्ट इज द ओनली थिंग इन अ साइज स्मॉल विच इज़ दिस वाइट टॉप, मुझे अभी फिट तो आ गया जैसे जैसे मुझे नेक में से टाइट हो रहा है तो आई विल हैव टू वेट टू वेयर दिस, लेकिन ये भी मुझे जोई वाइब्स दिलाता है बिकॉज वो भी ऐसे बहुत पहनती है ऐसे फैंसी से टॉप्स, एंड दिस आई थिंक इट इज़ सेमी फॉर्मल, आई एम नॉट टू श्योर दो, यू हैव टू टेल मी के डू यू वेयर दिस एंड गो टू ऑफिस, एंड इफ़ योर फैमिली लाइक इफ योर पेरेंट्स गो टू ऑफिस से यू मॉम डज शी वेयर दिस काइंड ऑफ टॉप्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ फॉर्मल क्लोथिंग पे वीडियो बट मैं बहुत बुद्धू हूँ इस टॉपिक में, मुझे नहीं समझ में आता, तो इस दिस फॉर्मुला नॉट, यू हैव टू हेल्प मी आउट विद दैट। ओके नेक्स्ट है ये कॉटन, आई एम नॉट श्योर 100% कि इसका मटीरियल कॉटन सिर्फ कॉटन है या कोई ब्लेंड है बट इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड टॉप, तो इट इज़ आई थिंक इसमें मुझे मीडियम भी आ जाता शायद, लेकिन लार्ज होने की वजह से ऐसा खुला खुला है, इसमें साइड पर बांधने के लिए जगह है तो अगेन इट कैन यू कैन मेक इट लुक फिटेड, तो मुझे वो टाइप के स्टाइल्स करंटली काफ़ी पसंद आ रहे हैं, एंड बस इट्स अ वेरी सिंपल बट लाइक दीज वाइट स्ट्राइप्स आई नो आई लाइक दैम, आई जस्ट लाइक वाइट स्ट्राइप्स ऑन टॉप्स बिकॉज यू मस्ट हैव सीन वो ग्रीन टॉप में भी दो स्ट्राइप्स थे तो वो मुझे पसंद आ गया था, इसमें स्ट्राइप्स से तो पसंद आ गया था, तो मुझे कोई भी सिंपल से टॉप पे बस वाइट स्ट्राइप डाल देते ना आई गेट हैप्पी, अजीब वो पता है। एंड ऑलरेडी ऑन द लास्ट वन इज दिस स्ट्राइपी वन, दिस वॉज प्योरली एंड प्योरली माई मदर, शी लाइक्स दीज कलरफुल स्ट्राइप्स वाले कपड़े, शी हैज़ अ स्कर्ट ऑल्सो जिसपे से कलरफुल रेनबो स्ट्राइप्स है, तो दिस वॉज हर, दिस इज अ मोस्ट स्ट्रेटर मटीरियल जो मुझे इतना पसंद नहीं है बट मॉम को ये मटीरियल पसंद आता है फॉर सम रीजन, सो दैट इज़ वाई गॉट दिस वन। दिस वॉज आर सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू फ्रॉम मीशो, कुछ भी पसंद आया तो प्रोडक्ट कोड्स तो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन प्लीज़ मेरे को समझो कि अगर सामान आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना तो ये सेम प्रोडक्ट कोड डाल के भी वो प्रोडक्ट नहीं आता है, तो फिर मैं और मेरी टीम बैठ के ढूंढते हैं सिमिलर सामान और उसका कोड लिखते हैं, इसलिए कभी कभी चीज़ें सेम नहीं होती बिकॉज दे गो आउट ऑफ स्टॉक। तो इफ यू फाइंड द एग्जैक्ट सेम थिंग और अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में वो नहीं है प्लीज़ नीचे कॉमेंट कर दो एंड मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बाकी सब के लिए, और मैं आपका कॉमेंट पिन कर दूंगी ताकि बाकी सब आपका कॉमेंट देख के उनको हेल्प हो जाए, तो इफ़ यू हैव द टाइम यार हेल्प मी फाइंड द एग्जैक्ट सेम स्टफ फ्रॉम अनदर सेलर अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो द पर्टिकुलर पीसेस, बट आई हैव प्लान्ड अ चैलेंज वीडियो
with two very interesting people in a hall format only. So I think aaj aayega ek aadhe hafte mein shayad. So if you enjoyed watching this video, to give it a thumbs up. If you did not enjoy watching this video, give it a thumbs down. But do remember ke jo bhi aapke zarurat ka saman hai, please wahi lena. Main pehnti hu aise tops ghar pe bhi. I feel good, that is why I bought them. If you don't wear them, you can check out my festive wala haul, because the festivals are coming, so you can wear those kind of clothes at home. But please buy only what you need. And I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye!